वेलकम करते हैं आपको बेबो रेसिपीज में। आज हम सीक्रेट बताने जा रहे हैं बाजार जैसी खीर का। बाजार जैसी कह लें, शादियों जैसी कह लें, वो टेक्सचर, वो फ्लेवर, और वो भी तो तीन आम सी चीज़ें डाल के, यानी कि दूध और चावल और चीनी से। ज़्यादा हमने खर्चा नहीं करना, कोई क्रीम, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। इसलिए हमने बनाने जा रहे हैं वो सीक्रेट आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपकी खीर लाजवाब बनेगी। जो खाएगा वो कहेगा कि बस आपने कमाल कर दिया, मुंह से नहीं उतरेगी, आपको इनाम दिए बगैर रह नहीं पाएगा। तो हमने लिए हैं 8 से 9 चम्मच चावल, टोटा भी ले सकते हैं, साबत भी ले सकते हैं। 1 घंटा पूरे इनको भिगोया है, इनका पानी हमने निकाल दिया है 1 घंटा भिगो के, ठीक है। रेसिपी को अच्छे से आपने नोट करना है। 2 किलो दूध हमने लिया है इसके करिए, 2 किलो की रेसिपी है। 4 हमने रस लिए हैं जिसे हम पंजाबी में पापे भी कहते हैं। तो पापे थोड़े यानी कि करारे होने चाहिए, पापों की यानी कि अच्छे से ज़्यादा खस्ता होने चाहिए। हमने सबसे पहले लेना है एक ब्लेंडर। ब्लेंडर में हमने अपने जो भीगे हुए चावल थे 8 से 9 चम्मच, उनको पहले इसमें ब्लेंडर में शामिल कर देना है। पापों को हमने अच्छे से तोड़ लेना है, ठीक है। इस तरह से इनको तोड़ के भी हमने ब्लेंडर में डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छे से इनको पीसीस पीसीस में कर देना है। अच्छा, ये सीक्रेट है एक ऐसा, और जब आप बनाएंगे खाएंगे तब आप दुआएं देंगे कि यार सच्ची में आपने रेसिपी जो बताई है वो बहुत ही टेस्ट देती है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो 1 ग्लास हमने दूध डाल दिया है, ये वही दूध है जो हमने 2 किलो दूध लिया है, उसी में से एक हमने ग्लास निकाला है। अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया है, दूध हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर एक टिप ये भी आपको देती चलूँ, आपने दूध को बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं लाना, क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ों को जैसे ही आप इस मिक्सचर को शामिल करेंगे अपने दूध में, ये गुठलियाँ बनने लग जाएंगी। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, दूध बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और आपने चमचा हिलाते रहना है डालते साथ ही। आपने 2 मिनट 1 सेकंड का भी इसमें वक्फा नहीं करना, ठीक है। आपने चम्मच को हिलाते रहना है इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कह दूँ, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा बेबो रेसिपीज़ में। और अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, वो भी बनाएंगे, आप बहनों से शेयर करेंगे। आपने चीनी को शामिल करना है अपने हसब ज़ायका, आपको जितनी चाहिए, ठीक है। ये चीनी है, हमारे घर में थोड़ा मीठा कम खाया जाता है इसलिए हमने कम शामिल की है। शुगर पेशेंट हैं इसलिए थोड़ी कम चीनी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने हिसाब से डालिएगा। देखिए गुठलियाँ बनने लग गई हैं, चमचा अभी हम हिला भी रहे हैं तब भी बनने लग गई हैं। तो अच्छे से चीनी को शामिल कीजिएगा। चीनी थोड़ी ज़्यादा रखी होती है, शादियों में भी बाज़ार वालों ने भी थोड़ी ज़्यादा रखी होती है, तो आपने जितनी शामिल करनी है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो क्या ही बात है, आज हम खाएंगे खीर, वो भी इतनी मज़े की। तो खीर हमें हमने डाले हैं क्रश किए हुए बादाम, इसमें तकरीबन बनने में 1/2 घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। हिलाते आपने रहना है, बस इतनी सी इस चीज़ की मेहनत है कि आपने चमचे को छोड़ना नहीं है, हिलाना छोड़ना नहीं है इसे, वरना बहुत बुरी गुठलियाँ बनेंगी और सारी आपकी ये जो खीर है बर्बाद हो जाएगी, खाने के लायक नहीं रहेगी। ये देखिए, इसमें हम शामिल करेंगे किशमिश को। ये किशमिश इसमें जाके फूल जाती है और बहुत मज़े का टेस्ट देती है, मोटी मोटी सी हो जाती है किशमिश को। थोड़ा अच्छी वाली किशमिश लीजिएगा जो फूले। अच्छा, इसकी अब पकने की पहचान ये है, एक तो इसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाता है, और एक इसका पकने की यानी कि ये पक चुकी है, तैयार हो चुकी है, इसकी पहचान ये है कि ये बबल्स छोड़ने लग जाती है। आप देख लीजिए, ये मोटे मोटे से बबल्स आ गए हैं हमारी खीर के ऊपर, मोटे मोटे से बबल्स आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी खीर अब पक चुकी है, ठीक है। आप फिर भी गौर से देखिए, टेक्सचर देखिए, खीर के बबल्स देखिए। आपने इसे और ज़्यादा क्रीमी करना है तो अगर आपके पास थोड़ा सा मक्खन पड़ा है, 1 चम्मच मक्खन पड़ा है, तो 1 चम्मच मक्खन को पकते हुए शामिल कर दीजिएगा, और ज़्यादा क्रीमी बनेगी।
थोड़ी ठंडी करके हमने डिश आउट कर ली है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर बताती चलूँ, इसे 4 से 5 घंटे आपने पहले फ्रिज में रखना है, फिर खाना है, फिर ये टेस्ट देगी। अगर आप 4 से 5 घंटे इसे फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो टेस्ट, वो जायका नहीं आएगा। तो आपने इसे ज़रूर फ्रिज में पहले रखना है, ठंडा करना है अच्छे से, तो फिर इसे खाना है, टेस्ट करना है।